सो so गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किन वाइटनिंग सिरम पे ठीक है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा बेस्ट सिरम है जो कि हम यूज करके स्किन वाइटनिंग ले सकते हैं सिरम को यूज कैसे करना है और ये जो वाइटनिंग सीरम होते हैं ये इंग्रेडिएंट क्या होते हैं इनके साइड um, इफेक्ट्स तो नहीं करते हैं अगर हम इसे यूज करते हैं डेली बेस पे तो कैसे यूज करना है प्राइस क्या है एवरीथिंग ना गईस आज इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो को अगर एंड तक वॉच करना चाहते हो तो um, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ में बेलाइकन प्रेस कर रेगुलर वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो बूस्टर सीरम तो होते हैं, 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 uh, हैं, uh, हैं सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं ना वो बायोकॉस गोल्डन पर्ल और ये जो लोकल कंपनीज है पाकिस्तान की uh, सब इसी पे ज्यादा फोकस करते हैं उसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं एंड ऑफकोर्स अगर आप स्किन व्हाइटनिंग लोगे तो जहां से भी ले लो आप चाहे थाईलैंड का लो या फिर चाइनीज लो कोई सभी आप लेते हो उसके अंदर आपको केमिकल मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि स्किन व्हाइटनिंग के लिए का यूज किया जाता है और उससे भी हमारा जो रंग है वो साफ होता है, ठीक है? रंग, आ, हो जाता है या फिर अगर आपका बचपन से है तो वो फिर एक लाइक वो एक अलग चीज है लेकिन अगर आपका सन टैन की वजह से या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपने केयरिंग नहीं है उसकी वजह से आपका स्किन डल हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी ना किसी चीज की कमी है एंड जो मेला प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो डल हो गई है ठीक है डार्क हो गई है किसी किसी को बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाते हैं फिर हम निकलते हैं स्किन वाइटिंग क्रीम्स की तरफ सीरम्स की तरफ या हम कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं जिससे हमारी स्किन जो है वो साफ हो जाए क्लीन हो जाए ठीक है अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि हम कौन सा ऐसा सीरम है जो यूज कर सकते हैं बहुत से लोग पूछते हैं बायोकॉस लगाए गोल्डन पार्ट लगाए फाइजा लगाए ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें आप देख सकते हो काफी सारे है ठीक है लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो सिरम होते हैं ना जब आप इसको यूज करते हो डायरेक्टली तो भी इससे साइड इफेक्ट आपको होगा एंड बहुत से सीरम इसके अंदर ऐसे भी हैं जो आप क्रीम के साथ मर्च करके यूज करते हो और बहुत से क्या सारे ही ऐसे हैं, जो कंपनी ने बेज बेज बनाए हैं फायजा का यूज करोगे तो उसी क्रीम के साथ यूज करोगे तो इससे आपकी स्किन जो है वो डल और डार्क मजीद हो जाती है जब आप इसको लगाना छोड़ते हो ठीक है अच्छा गाइस बहुत सारी रिसर्च मैंने की एंड खुद इसको यूज किया है एंड बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया है मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप आपको स्किन वाइटनिंग सिरम यूज करना चाहते हो तो गाइस अगर चाहे आपको सीरम यूज करना चाहते हो तो फिर मैं आपको एक सीरम सजेस्ट करूंगी जो कि डर्माकोस का व्हाइटनिंग बूस्टर सीरम होता है इस तरीके का ये सीरम आपको दिखता है अगर आप इस सीरम को यूज करते हो तो इसके जो इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर मैं अभी आपको डिटेल से बताती हूँ ठीक है अच्छा अगर आप ये सीरम यूज करते हो तो इससे आपको एक्नी पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा बायोकॉस का सीरम या फिर आप कोई और दूसरा व्हाइटनिंग सीरम यूज करोगे उससे आपको एक्नी पिंपल्स होंगे क्योंकि इनकी जो क्रीम होती है ना गाइस जो नॉर्मल पाकिस्तानी क्रीम्स होती है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ऑयल होता है बहुत ग्रीसी होती है सीरम भी आप इसके अंदर एड ऑन करोगे वो भी इतना ग्रीसी होता है देन दोनों को मिक्स करोगे तो उसको मिक्स करने से आपको काफी ग्रीसीनेस महसूस होगी अभी सर्दियां हैं सर्दियों के हिसाब से क्रीम्स ठीक है अगर थोड़ी ग्रीसी भी होती है बट स्किन का कलर डल करती है लेकिन अगर आप डेमोकॉस का सीरम ऐड करते हो अपनी क्रीम के अंदर तो ये आपकी स्किन का जो कलर है उसको एनहेंस करता है और ये गाइज मैं आपको एक रिसर्च से भी बता रही हूँ बाकी इसको इतना यूज किया है इतना यूज किया है हमारे घर में जो लोग क्रीम के साथ यूज करते हैं एड ऑन करके तो ये बहुत अच्छा है आप इसको ट्राई कर सकते हो एंड जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हैंड एंड फीट व्हाइटनिंग की क्योंकि सर्दियों में क्या होता है आप सर्दियाँ जैसी आएंगी ना स्किन का कलर डल होना शुरू हो जाता है बहुत सारे लोगों का स्किन फेयर होती है लेकिन सर्दियों में खराब हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो आप अपनी व्हाइटनिंग क्रीम के अंदर इसको एड करके और दो को एफ्सोल एड करके मिक्स करके लगाओ स्किन वाइटनिंग ना होना तो कमेंट में आके कुछ भी बोल सकते हो बहुत अमेजिंग सीरम है और इसके ऊपर मैंने डिटेल एंड रिव्यू किया है जिसमें ऑल इंग्रेडिएंट डिटेल दी है चाहो तो वो भी देख सकते हो बाकी इसके अंदर मैं आपको कुछ बता दूं इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं केमिकल बेस्ड हैं कोजिक एसिड है वो भी केमिकल बेस्ड होता है ऐसा नहीं है अगर आप क्रीम यूज करते हो व्हाइटनिंग क्रीम यूज करते हो नॉर्मल कोई भी फेरनेस क्रीम यूज करते हो उसके अंदर इसको एड करके यूज कर सकते हो स्किन को ब्राइट करता है इसके अंदर आब्रोटिन होता है आब्रोटिन स्किन के कलर को एनहैंस करता है डार्क डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है एंड साथ में आपकी स्किन के कलर को एनहेंस करता है कोजिक एसिड इसके अंदर है जो कि स्किन लाइटनिंग एजेंट है ऑलरेडी डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है स्किन डैमेज होती है तो उसको भी रिपेयर करता है फाइन लाइन स्प्रिंकल्स को भी कम करता है स्किन लाइटनिंग का काम करता है ठीक है बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो पैराबिन है वो स्टोर करने के लिए होते हैं बट सेंसिटिव स्किन के लिए पैराबीस ठीक नहीं होते हैं अगर जो आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको यूज मत करना लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है कॉम्बिनेशन है ऑयली है तब आप इसको व्हाइटनिंग क्रीम फेयरनेस क्रीम के साथ एड ऑन करके यूज कर सकते हो हैंड्स एंड फीट व्हाइटनिंग के लिए तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसको यूज कर सकते हो आपकी स्किन का कलर इनहेंस भी होगा साथ में आपके स्किन के कलर पे लाइक ऐसा आप बोल सकते हो कि जितने भी दाग धब्बे निशान आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ग्लो करना शुरू हो जाएगी एक और चीज है अगर आपको बताऊँ अगर चाहे आप ये डेमोकॉस या फिर सॉरी ये जो आप बायोकॉस और ये जो आप व्हाइटनिंग सीरम यूज करते हो गोल्डन पर्ल वगैरह के इस सीरम को यूज करने से आपकी स्किन पे बहुत एक्नी पिम्पल्स का प्रॉब्लम होता है क्रीम से बहुत से लोगों को होता है बहुत से लोगों को सीरम से होता है जब आप मिक्स करके दो चीज यूज करते हो बाकी बायोकॉस का तो सीरम बहुत पिम्पल्स एक्नी करता है ये तो मैंने खुद मेरे घर में यूज किया है एंड देन उसका रिजल्ट इतने एक्नी इतने पिम्पल्स हो जाते हैं तो फिर उसको रिमूव करना थोड़ा थोड़ा समय लगता है तो इसी वजह से आप ट्राई करो आप जो सीरम ले रहे हो या फिर जो क्रीम ले रहे हो बहुत ज्यादा स्टिकी ना हो सर्दियों में ठीक है व्हाइटनिंग क्रीम बेटर होती है बट व्हाइटनिंग क्रीम अगर आप यूज करते हो तो बेटर है अगर यूज नहीं करते तो मैं नहीं कह रही हूँ आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ आप व्हाइटनिंग क्रीम यूज करो ठीक है कल मैंने एक वीडियो बनाई थी व्हाइटनिंग क्रीम साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट दोनों पे बात की थी काफी डिटेल से देखोगे तो आपको काफी अंदाजा होगा अगर आपने नहीं देखिए तो आई बटन लगा रही हूँ चेक कर लेना बहुत अमेजिंग है इतनी डिटेल से उस पर बात की थी हर एक पॉइंट कवर किया था जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी उन गर्ल्स को या खातीन को जिनको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है जिनका कलर डल हो गया डार्क हो गया उनके लिए भी उसमें काफी हेल्पफुल डिस्कस uh, की थी जो आपको मदद कर सकती है ठीक है तो आप उसको जरूर देखना है एंड uh, मेरी तरफ से आप इसको ट्राई कर सकते हो बाकी अगर आप नॉर्मल लोकल सीरम यूज करते हो तो उसको मत यूज करो इसको अपनी क्रीम में ट्राई करके देखो मुझे फीडबैक दो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये एक अच्छा सीरम है और खुद पर्सनली यूज किया है मैंने फेशियल के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो आप व्हाइटिंग क्रीम में यूज कर सकते हो हैंड एंड फीड व्हाइटनिंग क्रीम में यूज कर सकते हो इसको आप लोशन में एड करके यूज कर सकते हो आप स्किन को व्हाइटनिंग देता है ठीक है व्हाइटनिंग इंग्रीडियंट में है सेंसिटिव स्किन के लिए सीरम नहीं है नॉर्मली आप इसको जो है वो कॉम्बिनेशन ऑयली और जिन लोगों की स्किन नॉर्मल होती है वो यूज कर सकते हैं प्राइस की बात करें तो वन अंडर आपको ये मिल जाएगा और इजिली मिल जाता है डेमाकोस का सीरम इंडिया में मिल जाता है पाकिस्तान में भी बाहर भी इजिली मिल जाता है डेमा एक बहुत अच्छा ब्रांड है मुझे फेशियल प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं इनके बाकी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं आप ट्राई करना मुझे फीडबैक जरूर देना नेक्स्ट वीडियो में